so ben amit shahu being a home minister of the country mm. says he will crush the movement mm. i didn't say that i, I didn't said him i said welcome mm. i said mm. the consequences what happened when indira gandhi did the same thing sama samundhi kat lutta karo o pulsa ki pulsa o aa jao ta babaiya pulis lagi vi hai bhai sahab de piche te sangat nu benti hai ki jinni ho sakdi hai sangat pahuncho o bhajla vire वाला बन्ने निकला और यहां भिंड के खेतों के बीच आरिया स्टार की तरह बेस बदल बदल के भागना पड़ रहा है तू तो आई एस आई देखे करी जा बापू जिमीदार कि दे बारी बारी वरसी खटन गया खड़ के लिया शिक्षा

और इसके प्रशंसक मानते हैं कि यही भविष्य में वाला बनेगा, बनेगा, <laughs> बन जाएगा। कनेडा में कोई अच्छा सा बर्फीला स्थान ढूंढ ले वहीं पे अपने अमृतपाल के समर्थक में खड़ा हो जा और अपने दोनों पंखों पे एक पे जस्टिन ट्रूडो और एक पे पन्नू को भी बिठा लेना समझा बिग बर्ड कि वो पंथी रिहाना ने इस बार कहा है कि जब तक ये तुम्हारा हाइपर टॉक्सिक मेस्कुल अमृतपाल सभी बाइनरी नॉन बाइनरी बदाम कुल्फी बायपकोड़ा जेंडर का सम्मान नहीं करेगा तब तक वे उसे समर्थन नहीं देंगे इस चक्कर में अमृत भाई पाल की यह तस्वीर साझा कर डाली मतलब अच्छा लगता है क्या यार सब भाई के समर्थन में में मियां खलीफा जी भी आएंगी या नहीं इस समाचार की प्रतीक्षा देश भर के लौटो ने हाथ मलना प्रारंभ कर दिया है भाषा और वीडियो की मर्यादा बनाए रखने के लिए मैंने हाथ शब्द का प्रयोग किया है ये बताते हुए मन हर्षित हो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अब विश्वव्यापी स्तर पर छाप छोड़ रहा है मियाँ जी खलीफा को पैसों के लिए

बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा पान इंपोर्टेड क्रांतिकारी दवा खालिस्तान आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि मैं ये सब बोल के अमृतपाल जी का मजाक उड़ा रहा हूं मेरी ये बातें सुनकर आपके मन में शायद ऐसा शक उत्पन्न हुआ हो तो मैं सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि आप अपने हृदय में इस तरह का कोई शक ना रखें उसे पूर्णता यकीन में बदल लें क्योंकि हां मैं वही कर रहा हूं पंजाब पुलिस समेत समस्त प्रशासन और देश के गृह मंत्रालय को धमकाने वाले एक घंटे की वार्निंग देने वाले अमृतपाल को प्रशासन द्वारा एक नंबर और दो नंबर करने वाली जगह में छिपने के लिए विवश कर दिया गया है मेरे विचार में तो यही अच्छे दिन है तो समाचार यह है कि लुक बदल बदल कर स्वयं को सिखों का नेता साबित करने की असफल कोशिश करने वाले पंजाब समेत देश भर की जनता को मूर्ख समझने वाले पुलिस थाने पर हमला करके कानून व्यवस्था को तार तार करने वाले खुलेआम देश के गृहमंत्री को धमकी देने वाले एवं देश को तोड़ने की बातें करने वाले अमृतपाल सिंह संधू की सेवा के लिए पंजाब पुलिस को अपनी लाठियों पर तेल मलने का आदेश दिया गया शायद मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि यह आदेश किसके द्वारा आया होगा पंजाब पुलिस लाठियों के बाद अपनी गाड़ियों को तेल पिला के दबिश को निकली ही थी कि शायद अमृतपाल और उसके चेलों को किसी से यह सूचना प्राप्त हो गई कि पुलिस आ गई है ये सूचना किसने दी होगी या किन के लोगों द्वारा उस तक पहुंची होगी यह भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और इस बार तो मुझे यहां कोई चित्र लगाने की भी आवश्यकता नहीं है मुझे आप पे यानी अपने दर्शकों पे उनके बौद्धिक स्तर पे पूरा विश्वास है पुलिस की दबिश पड़ते ही धार्मिक ग्रंथ को ढाल बना के अपना शौर्य साबित करने वाले अमृतपाल की वही स्थिति हुई जो महाराज की पुलिस आने की सूचना मिलने पर राकेश टिकैत की हुई थी अरे टिकैत से याद आया वैसे कहां है बक्कल तारने वाला किसानों व नेता आजकल सुना है मंडियों के दलाल किसानों की खून पसीने की उपजी फसल का दो दो रुपया दिलवा रहे हैं कहां हो मुजफ्फरनगर के माइक टाइसन गरीब किसानों को उनका हक नहीं दिलाओगे अब या कृषि कानून हटवाने और उनकी स्थिति बद से बदतर करने तक ही साथ थे छोड़िए यह तो अलग विषय है टिकैत को कभी फुर्सत से छीलेंगे अलग से वीडियो बना के अभी जो विषय है वो है दुबई का ये बहरूपिया तो पंजाब पुलिस इसे धरने पहुंची थी कि अमृतपाल भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी की गति से भाग खड़ा हुआ पुलिस ने अमृतपाल के अठहत्तर अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्हें सस्ता क्रांतिकारी छोड़कर भाग गया था इस बात के माध्यम से मैं पंजाब समेत देश भर के उन सभी युवाओं को एक गंभीर संदेश देना चाहता हूं जो अमृतपाल जैसे लोगों को इन्हें इन्हें संत क्रांतिकारी नेता मानते हैं इनके पीछे खड़े हो जाते हैं यह ध्यान रखना ये लोग तुम्हारा उपयोग ही करेंगे और वो भी किस लिए थानों पर हमले करवाने के लिए किसी मानव बम की तरह तुम्हें प्रयोग करने के लिए अपना काम निकल जाने पर तुम्हें उसी प्रकार छोड़ के भागेंगे इंदिरा के हथियारों तो के, के, के पास ही तो नहीं पहुंचा दिया है परंतु फिर कुछ सीसीटीवी की तस्वीरें आई जिनमें पुलिस से भागता दिखाई तो लोगों ने चैन की सांस ले ली कि नहीं नहीं इतनी आसानी से नहीं अभी से थोड़ा और फॉरेस्ट गंप बनाया जाएगा जनता अपने होश हवास तब खो बैठी और अपना मतलब मीम्स की बारिश हो गई जब इंटरनेट पर यह तस्वीर आई इस तस्वीर में अमृतपाल इस जुगाड़ रिक्शे में बदल के भागता दिखा इस पर बैठा अमृतपाल अवश्य सोच रहा होगा कि यार अच्छा खासा दुबई में टैक्सी चला रहा था कहा इन लोगों के चक्कर में सस्ता भिंडरा वाला बनने निकला और यहां भिंडी के खेतों के बीच आज आर्या स्टार की तरह भेस बदल बदल के भागना पड़ रहा है इस किराए के क्रांतिकारी की यह स्थिति देखकर मुझे सिद्धू मूसेवाला जी का वो गीत याद आ रहा है तो चनादा जट भी, शकीन मोड़तो, जो सरल वाला भी बता देता हूं जिन आकाओं द्वारा ये दुबई से कामकाज छुड़वा के भेस बदल के भारत आया गया था इस रिक्शा नुमा जुगाड़ पर बैठे बैठे अमृतपाल अवश्य उन आकाओं के विषय में यही सोच रहा होगा कि तो दे उत्ते करी मिदार के दे के शिक्षा बारी वारी वर्सी खटन गया खड़ खट के लिया शिक्षा जो मंगता खालिस्तान हूं भजद रिक्शा वारिस पंजाब संस्था के प्रमुख अमृतपाल को यह चित्र देखने के बाद कई लोग भगोड़ा पंजाब का कह के भी संबोधित कर रहे हैं जो लोग यह चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अमृतपाल पाकिस्तान के रास्ते किसी पश्चिमी देश में भाग सकता है उनके लिए मैं फिलहाल यही कहूंगा कि रुको जरा सवर करो और यह ध्यान रखो कि कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में अरे कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में कभी तो बिकने आएगी भिंडी बाजार में अमृतपाल तो फिलहाल पंजाब पुलिस से भागता फिर रहा है परंतु उससे रोचक बात यह है कि पार्ट टाइम दिल्ली के मुख्यमंत्री और फुल टाइम बॉलीवुड का कचरा रिव्यू करने वाले अरविंद भाई ने अंततः इस मामले में अपनी विशेष टिप्पणी दे दी है है उससे अधिक रोचक तथ्य यह कि घर में सीलन के कारण दीवार से छूटती पपड़ी से लेकर रसोई घर में रखा दूध फट जाने पर भी मोदी भाजपा संघ पर निशाना साधने वाले और ग्लेशियर्स पिघलने ग्रेटा की गिरफ्तारी और सतेंद्र जैन की मालिश वाले तेल की ब्रांड पर भी अपनी युसैन बोर्ड की गति से तेज टिप्पणी छोड़ने वाले अरविंद भाई केजरीवाल इस पूरे मामले में बहत्तर घंटों बाद सामने आए अपनी कुंभकर्ण रूपी निद्रा से बाहर आकर उन्होंने एक टिप्पणी की अपनी टिप्पणी में केजरीवाल जी ने कोई नया काम नहीं किया वही आत्ममुग्धता का पुराना उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसके लिए वे दशक भर से जाने जाते रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बहाने अपनी पार्टी की अपनी पीठ थपथपाते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धैर्यवान रहकर परिपक्व तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बधाई हो अच्छा कसम से और कुछ काजू कतली का डिब्बा भी भिजवा भी दो एक हीरा स्वीट से खरीद के कानून व्यवस्था का हाल देखा है पंजाब ने सबने कैसे लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रख के ये भगोड़ा पुलिस थाने में घुसा एक अपराधी को भीड़ के बल पर छुड़वा के लाया था बेदबी के नाम पे जिस तरीके की निशंस घटनाएं पंजाब में चल रही हैं वे शायद आपके धृतराष्ट्र रूपी नयनों को न दिखती हो सर जी पर देश की जनता को दिख रहा है कभी हाथ काटे जाते हैं कभी महिलाओं पर थप्पड़ बरसाकर अपनी मर्दानगी के सबूत दिए जाते हैं इस सब के बाद तुम अपने मुख्यमंत्री को बताइया भेज रहे हो दो तिरंगे माइक लगा लेते हो साथ में केजरीवाल जी मंत्रालय तो रखा नहीं है कोई आपने अपने पास तो खाली समय तो होता होगा ना काफी उसी खाली समय में से थोड़ा सा खाली समय निकाल के थोड़ी सी शर्म कर लिया करो ऐसे बयान देने से पहले आगे पंजाब के मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा में और बड़े पुल बांधते हुए केजरीवाल जी ने कहा कि गत एक वर्ष में पंजाब की सरकार ने दिखा दिया है अगर आपकी नियत सही हो तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छे से चलाई जा सकती है नियत ये मतलब मैं सच बता रहा हूं भाई मैं इस व्यक्ति से बहुत असुरक्षित महसूस करता हूं अरविंद केजरीवाल जी से नहीं मतलब ये सोच के नहीं कि केजरीवाल जी मेरे घर में पंजाब पुलिस भेज देंगे वो तो एक कारण है ही उससे अधिक इनसिक्योरिटी का कारण मेरे लिए ये है कि जिस तरह की कॉमेडी जिस तरह के व्यंग्य केजरीवाल जी छोड़ते हैं यह व्यक्ति जब चाहे हम जैसों के पेट पर लात मार सकता है केवल एक यूट्यूब चैनल खोल के जिन भगवंत मान की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं उन्होंने इस पूरे मामले में बयान देते हुए अमृतपाल सिंह या वारिस पंजाब दे संस्था का नाम तक नहीं लिया है मान साहब ने कहा कि जो लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा राज्य की शांति से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा अच्छा वाह मोदी जी वाह के बाद एक वाह मान साहब वाह का मीम अवश्य बनना चाहिए जब पंजाब में खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा था खालिस्तान की बातें कर रहा था देश के गृहमंत्री को धमकियां दे रहा था तब तुमसे पकड़ा नहीं जा रहा था अब जब देश भर को यह पता है कि, कि किसके आदेशों पर धड़पकड़ चल रही है तो तुम्हारी टिप्पणी आती है छोड़ा नहीं जाएगा एक और न्यायालय से डांट खा रहे हो कि अस्सी हजार की पुलिस कर क्या रही है तुम्हारी पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक और मीडिया के सामने मतलब हीरो बनने में तुम्हारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो मतलब क्रेडिट खाना कोई नाम आदमी पार्टी वालों से सीखे दो वर्ष पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब केंद्र सरकार द्वारा लगवाई जाने वाली मुफ्त वैक्सीन का क्रेडिट खा रहे थे पोस्टरबाजी कर रहे थे अब भगवंत भाई मान अमृतपाल की पकड़ को लेकर भी मालपुआ खाने के चक्कर में है वेरी वेरी ब्रो आम हैल पार्टी चलो, है सब इनका तो काम है एक दूसरे पर निशाना साधना क्रेडिट खाना यह सब चलता रहता है पर इस किराए के क्रांतिकारी के लिए कुछ नए बरसाती मेंढक आए हैं बहुत फुदकते देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर यह व्यक्ति एक पंजाबी गायक है नहीं माफ कीजिएगा रील्स और टिकटॉक की कृपा से बना हुआ एक पंजाबी गायक है वो आदा आदा का सर्वनाम लगाते हैं समेत उत्तर पूर्व के भी सारे राज्य कटे हुए दिखाए गए हैं यही हाल होता है आपका जब आप स्कूल में भूगोल की कक्षा में चिट्टा सुइयां लगाकर जाते हैं इस जीव के कई प्रशंसक या चूजे अगर इस बात को सुनकर आहत हो गए हों कि मैंने ये कैसे कह दिया कि उनके शुभ भाई जीवन में स्कूल भी गए तो मैं क्षमा चाहता हूं एक और रोचक तथ्य है कि इस व्यक्ति का नाम शुभ है जो कि सिद्धू मूसेवा का नाम भी था और इसके प्रशंसक मानते हैं कि यही भविष्य में सिद्धू मूसेवाला बनेगा हम्म बनेगा <laughs> बन जाएगा ऐसे ही एक अन्य गीत निर्माता मनिंदर कल्याण उर्फ बिग बर्ल्ड ने सोशल मीडिया पर अमृतपाल का समर्थन करते हुए लिखा वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह बता दूं यह व्यक्ति कनेडा में रहता है और अपना नाम बिग बर्ड लिखता है एक और रोचक बात यह देखने को मिली है कि यह सारे खालिस्तान समर्थक बर्ड्स की भांति ही भारत से उड़ जाने के बाद ही असली क्रांतिकारी के पट्टे बनते हैं परंतु इस वाले मामले में मैं मनिंदर का समर्थन करता हूं पूरा समर्थन में हूं और मैं उसे यही सलाह दूंगा कि यस स्टैंड विद अमृतपाल कीप स्टैंडिंग विद अमृतपाल इन कनेडा कनेडा में कोई अच्छा सा बर्फीला स्थान ढूंढ ले वहीं पे अपने अमृतपाल के समर्थक में खड़ा हो जा और अपने दोनों पंखों पे एक पे जस्टिन ट्रूडो और एक पे पन्नू को भी बिठा लेना समझा बिग बर्ड अमृतपाल की गिरफ्तारी के साथ ही कई खालिस्तान समर्थकों को कथित किसान आंदोलन के समय की याद आ रही है अपनी रिहाना बाजी याद आ रही है कि एक बार फिर भारत में क्रांतिकारियों पर अत्याचार हो रहा है रिहाना बीबी हमें बचाओ गुप्त सूत्रों के माध्यम से यह पता चला है कि वो पंथी रिहाना ने इस बार कहा है कि जब तक ये तुम्हारा हाइपर टॉक्सिक मेस्कुल अमृतपाल सभी बाइनरी नॉन बाइनरी बादाम कुल्फी बाय पकौड़ा जेंडर का सम्मान नहीं करेगा तब तक वे उसे समर्थन नहीं देंगी मतलब खालिस्तानी इतने उतावले थे कि इस चक्कर में अमृत भाई पाल की यह तस्वीर साझा कर डाली मतलब अच्छा लगता है क्या यार ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मैं कथित फैक्ट चेक करूं और मिस्टर रोबोट के नवासों से अनुरोध करूंगा कि इस तस्वीर का फैक्ट चेक करें और सत्य सामने लाएं कि अमृतपाल नहीं रजौरी गार्डन की अमृता है और इस पर हजार शब्दों का एक फालतू आर्टिकल जरूर लिखना रिहाना का नाम सुनकर कि किसान आंदोलन की तरह अमृतपाल भाई के समर्थन में खलीफा जी भी आएंगी या नहीं इस समाचार की प्रतीक्षा में देश भर के लौंडो ने हाथ मलना प्रारंभ कर दिया है एक सूचना देना चाहूंगा कि भाषा और वीडियो की मर्यादा बनाए रखने के लिए मैंने हाथ शब्द का प्रयोग किया है वैसे मैं इन सभी लोगों की आशाओं पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि इस बार अमृतपाल भाई के समर्थन में मियाँ जी नहीं आ पाएंगे और उसका कारण है कि अब उनके पास समय नहीं है क्योंकि उनका पुराना व्यवसाय पुनः चालू हो चुका है यह बताते हुए मन हर्षित हो रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अब विश्वव्यापी स्तर पर छाप छोड़ रहा है और मिया जी खलीफा को पैसों के लिए किसी अमृतपाल को समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं अब वे अंतरप्रन्य बनकर अपनी सेवाएं केवल ओनली फैंस पे देती हैं अरे मतलब मुझे कैसे पता का क्या मतलब है ठीक है चल जाता है पता यार दोस्तों दोस्त बता देते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है अमृतपाल अमृतपाल इंपॉर्टेंट है आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में यह अवश्य बताइएगा कि वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा आपको कौन सा लगा है और खबरदार किसी ने कमेंट में मियाँ जी का कोई लिंक मांगा तो शांति से वीडियो को व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सभी सोशल मीडिया पे साझा करो